वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए अगेन मीशो हॉल लेकर के आई हूँ। आज का जो हॉल वीडियो है गाइस, इसमें मैं आप लोग के साथ में कुछ साड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसे आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आराम से पहन के जा सकते हैं, या फिर अगर आपकी शादी नहीं हुई है गाइस तब भी आप इस टाइप की साड़ियाँ पहन करके जा सकते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी साड़ी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, साथ ही साथ मैं कैटलॉग और ट्राय ऑन साइड में लगाते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एंडू, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। आज के कलेक्शन की जो फर्स्ट साड़ी है गाइस, वो ये है। कुछ इस टाइप से मुझे रिसीव हुआ है। तो पहले इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। तो ब्लाउज का जो फैब्रिक आपको ब्रोकेड फैब्रिक में मिल जाएगा, और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा है फैब्रिक। तो कुछ इस टाइप से है, ब्लैक एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में है। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर है, कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग के साथ में इसमें जरी वर्क है। तो ये आपको 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, आप इसका ब्लाउज बना सकते हैं। 3-4 अगर स्लीव भी बनाएंगे तब भी इसका आराम से बन जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसमें आपको लाइनिंग का कपड़ा लगाना होगा और आप इसका ब्लाउज बना सकते हैं। इसकी साड़ी की बात कर लेते हैं गाइस, तो साड़ी ना पूरी एक जैसी है, सैटन का फैब्रिक है, ऐसा शाइनिंग वाला फैब्रिक है कुछ इस टाइप से। तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो है साड़ी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, एकदम ज्यादा वाला अच्छा फाइन वाला जो सैटन फैब्रिक होता है ना वो नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, बट हाँ प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी दी है मीशो ने। कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, एकदम अच्छा रॉयल ब्लू कलर है। रॉयल ब्लू के साथ में ये जो आपका कॉम्बिनेशन है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ट्राई ऑन में साइड में लगाते जाऊंगा गाइस, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगा। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं, आई थिंक ये ना 250 या 260 में मुझे रिसीव हुआ है। तो क्वालिटी वगैरह अच्छी, इसे आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन वगैरह पार्टी वगैरह में पहन के जा सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट साड़ी है ना गाइस, उसका कैटलॉग मैं इधर साइड में लगा रही हूँ। बहुत ज्यादा खूबसूरत सा कैटलॉग है देखिए, तो अब मैं उसका लुक आप लोग के साथ में इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो गाइस साड़ी कुछ इस टाइप से है, देखिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा मल्टी कलर है फैब्रिक। इसकी अगर इसकी बात कर लूँ तो फैब्रिक इसका जॉर्जेट सिफॉन मिक्स था, एकदम अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, एकदम बॉडी हगिंग वाला फैब्रिक है, बहुत मल्टी कलर में है। बट ना गाइस, जैसा कैटलॉग में दिख रहा था ना, मुझे सेम ऐसा रिसीव नहीं हुआ। कैटलॉग में जो है ना, उसमें ना क्या बोलते, बॉर्डर भी लगा हुआ है, मतलब लेस वगैरह भी साड़ी में थी, बट इसमें मुझे कोई भी लेस रिसीव में। इसकी ब्लाउज का फैब्रिक अटैच है, ब्लैक कलर का ब्लाउज का फैब्रिक है, वो भी प्रिंटेड है, जैसी साड़ी है ना वैसी टाइप से। तो साड़ी कुछ ऐसी है, लुक वाइज साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। डेली गाइस, डेली यूज के लिए साड़ी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको अच्छा लगता है डेली यूज के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। वैसे ये मुझे रिसीव हुई थी, वो ये है। इसका कलर ग्रीन कलर में है, बहुत ही अच्छा, मतलब बॉटल ग्रीन कलर है। इसमें आपको इस टाइप से एक बेल्ट भी मिल जाएगा, इस टाइप से वेलवेट फैब्रिक में सीक्वेंस वाला बेल्ट मिल जाएगा गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में इसे ना आप अटैच करा सकते हैं, इस टाइप से आपको डोरी भी साथ में दिए हुए हैं। तो साड़ी का जो फैब्रिक है ना गाइस, वो सिल्क फैब्रिक है, थोड़ा सा ऐसा ना स्ट्रेचबल वाला भी फैब्रिक मुझे लग रहा है, लेकिन साड़ी बहुत ही अच्छी लाइट वेट है, सॉफ्ट सी है साड़ी। इसका ब्लाउज देख लेते हैं पहले। ये है ब्लाउज का फैब्रिक, पूरा वेलवेट का मिल जाएगा, बड़े बड़े से सीक्वेंस इसमें लगे हुए हैं, स्ट्रेचबल वाला फैब्रिक है ये, बहुत ही ज्यादा अच्छा सॉफ्ट सा है। तो आप इसका ब्लाउज बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा बनने के बाद में, इसका अच्छा सॉफ्ट है। बाकी साड़ी जो है ना गाइस, पूरी एक जैसी है। आंचल तरफ से मैं दिखा देती हूँ, तो चारों साइड में ना आपको इस टाइप से बॉर्डर मिल जाएगा देखने के लिए, जो कि वेलवेट फैब्रिक का ही बॉर्डर इसमें सीक्वेंस वाला लगा हुआ है, कुछ इस टाइप से चारों साइड में आपको मिल जाएगा। साड़ी जो है ना गाइस, एकदम अच्छी सॉफ्ट सा फैब्रिक है, लाइट वेट है, आप इसे किसी भी फंक्शन पार्टी वगैरह में आराम से पहन के जा सकते हैं। रात की पार्टी वगैरह में स्पेशली से आप पहन के जा सकते हैं, क्योंकि लाइट वगैरह पड़ता है ना, सीक्वेंस बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसका भी ट्राय ऑन मैं साइड में लगा रही हूँ गाइस, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा साड़ी देखने में कैसी लग रही है पहनने के बाद में।
बाकी इसकी लेंथ वगैरह सब कुछ आपको परफेक्ट मिल जाएगा, चौड़ाई भी साड़ी की परफेक्ट है। ब्लाउज के साथ जब इसका ब्लाउज बना करके जब आप पहनेंगे तो इस साड़ी का जो लुक है बहुत ही ज्यादा बढ़ के आएगा। तो ये भी गाइस ज्यादा प्राइस का नहीं है, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। शायद कलर ऑप्शन भी है इसमें, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो साड़ी है गाइस उसका कैटलॉग मैं साइड में लगा रही हूँ और उसका लुक मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ कि पहनने के बाद में कैसा लग रहा था। तो गाइस ये जो साड़ी है ना, ये भी आपको सॉफ्ट जॉर्जेट का फैब्रिक मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा प्यारा सा फैब्रिक है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इसे डेली यूज में भी पहन सकते हैं या फिर आप किसी पूजा में पहन सकते हैं या आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में आराम से इसमें पहन के जा सकते हैं। साड़ी की लेंथ वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, सॉफ्ट फैब्रिक है, फुल डे भी आप कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपसे कलर में जा सकते हैं। बाकी ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और ब्लाउज का भी फैब्रिक इस पे अच्छा दिया हुआ है, साड़ी भी पहनने के बाद में लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो और अब जो नेक्स्ट साड़ी है ना गाइस, वो ये ग्रे कलर की साड़ी है, इसमें लिखा हुआ था रेडी टू वियर, तो वही मैं सोची ये आई थिंक ना 400 या 450 की साड़ी थी, तो मैं बोली 450-450 में रेडी टू वियर साड़ी मिली, इसको तो चेक करना बिल्कुल बनता है, तो इसलिए मैं इसे ऑर्डर करी हूँ। तो कलर तो इसका काफी ज्यादा अच्छा है, अभी ये ग्रे कलर ना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में भी है और अच्छा लगता है। तो साड़ी कुछ इस टाइप से, इसका फैब्रिक जो है ना आपको लाइक्रा वाला फैब्रिक मिल जाएगा, स्ट्रेचबल वाला। इसका भी ना गाइस ब्लाउज आपको वेलवेट का फैब्रिक का मिल जाएगा, सेम जैसा भी ग्रीन वाले का था ना, सेम वैसा ही है इसका भी। इसमें भी बड़े बड़े सीक्वेंस लगे हुए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका भी फैब्रिक जो है सॉफ्ट है। और साड़ी की बात कर लेते, देख लेते हैं ये रेडी टू वियर है कि नहीं। तो साड़ी जो है ना गाइस एकदम अच्छा लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है छूने में और एकदम ज्यादा स्ट्रेचबल नहीं, जैसे कई लाइक्रा वाली साड़ी होती है ना जो एकदम ज्यादा स्ट्रेचबल होती है, तो उस टाइप का नहीं है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना आपको नीचे में ना इस टाइप से फ्रिल वाला डिटेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस टाइप से, तो काफी ज्यादा अच्छा है, एकदम ज्यादा स्ट्रेचबल वाला फैब्रिक नहीं बोलूंगी। पहनने के बाद इसका लुक ना बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, किसी भी गाइस आप किसी भी पार्टी वगैरह में पहन के आराम से जा सकते हैं, रिसेप्शन में पहन के जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से अगर आप इसे एक्सेसराइज करेंगे ना तो आप इसे किसी भी पार्टी में पहन के जा सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ, इसमें लिखा था रेडी टू वियर पर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ सीन नहीं दिखा, क्योंकि रेडी टू वियर जो साड़ी होती है ना वो ओके अच्छा क्या। सो गाइस इसमें ना ये जो यहाँ पे ऐसा पल्ला आता है ना उसको बस ऐसा सिक्योर कर दिया, यहाँ पे ऐसा पैच लगा दिया कुछ इस टाइप से, ये देखिए, मतलब जो आंचल वाला पार्ट होता है ना उसको बस सिक्योर करके ऐसा बना दिए हैं, उसको रेडी कर दिए हैं। बाकी पूरी साड़ी जो है ना गाइस ओपन है, मतलब इसमें प्लेट वगैरह कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो ये सोच करके इसे परचेस मत करना कि प्लेटिंग वगैरह पूरा हुक वगैरह के साथ में बना होगा। वही तो मैं सोच रही थी 400 में रेडी टू वियर साड़ी कैसे मिल जाएगी, लेकिन इतना भी कर दिया ना, ये भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑप्शन शायद इसमें बहुत सारे हैं, तो अपने चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। मुझे तो पर्सनली ये ग्रे कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी मुझे ना 400 के हिसाब से अच्छी लग रही है। ये था मेरा आज का मीशो हॉल वीडियो, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज के ये हॉल वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं गाइस ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीशो हॉल में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।